बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे पढ़े हैं घर में? क्योंकि हमारे कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा कलरिंग है, इसलिए आप लोगों ने हर लेक्चर केयरफुली सुनना है और नीट एंड क्लीन कलरिंग करनी है, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वेदर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? फोर वेदर्स थे हमारे, लेकिन हमने जस्ट टू वेदर्स के बारे में पढ़ा था, सनी एंड क्लाउडी। आज हम लोग अपने बाकी के टू वेदर्स भी पढ़ेंगे, रेनी एंड विंडी। जिससे कि आप लोगों को पता है कि मौसम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। कभी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो कभी बारिश हो रही होती है, कभी बहुत तेज़ सनलाइट हम पे पड़ रही होती है तो कभी क्लाउड होते हैं, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे रेनी। यू नो स्टूडेंट्स, When water fall down in drops from clouds, it stands rainy. We call that it is rainy. आपको पता है कि जब बारिश हो रही होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? It is rainy today. कि आज बारिश हो रही है, आज मौसम कैसा है? It is rainy today. ठीक है? Next मौसम है हमारा windy. आपको पता है कि जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो क्या होता है कि जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो बहुत तेज़ मूव कर रहे होते हैं, बल्कि हर चीज़ मूव कर रही होती है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ विंडी टुडे। सनी है तो इट इज़ सनी टुडे, क्लाउडी है तो इट इज़ क्लाउडी टुडे, रेनी है तो इट इज़ रेनी टुडे एंड विंडी है तो इट इज़ विंडी टुडे, ठीक है? तो ये हमारे फोर वेदर्स हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? अब हम अपनी बुक की तरफ आते हैं। मैथ्स की वर्कबुक है आपकी, ठीक है? मैथ्स की वर्कबुक पेज नंबर 66। ये देखिए, यहाँ पे वेदर्स का टॉपिक है, सनी, क्लाउडी, रेनी एंड विंडी। आपको पता है कि आज हम अपने फोर वेदर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? ये नीचे वाले पोर्शन में देखिएगा, इन विच वेदर डू यू यूज़ द फॉलोइंग थिंग्स। ये चीज़ें हम कौन से वेदर में यूज़ करते हैं, आपने इनको बताना है। सबसे पहले है रेन बूट्स। रेन से आपको पता चल जाएगा कि बारिश, ठीक है? रेन बूट्स, रेन बूट्स हम लोग कब पहनते हैं? जब बारिश हो रही होती है, ताकि हमारे पाँव भी गीले ना हो। अगर हम दूसरा जूता पहनेंगे तो वो गीला हो जाएगा, ठीक है? इसलिए ये कौन से बूट्स हैं? रेन बूट्स। हम इनको मैच करेंगे रेनी के साथ। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है हम अम्ब्रेला तब भी यूज़ करते हैं, और जब बारिश हो रही होती है हम अम्ब्रेला तब भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसको मैच करेंगे सनी के साथ भी और रेनी के साथ भी। नेक्स्ट है हमारा रेनकोट। आपको पता है कि अगर हम लोग कपड़े पहन के बाहर जाएंगे बारिश में तो हमारे कपड़े तो गीले हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें सर्दी लग सकती है, इसलिए ये क्या है? रेनकोट। इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब बारिश हो रही हो तो हम ऊपर पहन लेंगे तो हमारे जो नीचे वाले क्लॉथ्स होंगे वो गीले नहीं होंगे, ठीक है? अब रेनकोट को हम मैच करेंगे रेनी के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर आज का वेदर्स, ठीक है? आपने अच्छे से इसको लर्न करना है और इनमें आपने कलरिंग भी करनी है, लेकिन कलरिंग आउट बिल्कुल भी ना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।